ये क्या है, ये क्या रखा तुमने? हेलो एवरीवन, क्या हालचाल अभी सबके? तो भाई आज हमारे साथ ये बहन है भाई, और भाई आप लोग अगर आपके सामने आएगा ना ये सब चीजें हो रही है, कोई बहन है भाई छोटे से 4 महीने के बच्चे को लेकर बाहर बैठी है, तो मतलब मैं क्या बताऊं भाई, नहीं देखे जाते ये सब। और फिर आप लोग कमेंट करते कि भैया तो बनावटी है, ये है जिनके साथ बीतता है ना भाई, इनसे पूछे बहन के साथ अपना घर बार छोड़ के यहाँ किसी के, मतलब ये आई थी कि भाई यहाँ शादी हुई है तो अच्छा परिवार मिलेगा, ये सब मिलेगा। और परिवार क्या कर रहा है भाई, दहेज मांग रहा है ये, मतलब एक क्या गाड़ी मांग रहे ना, गाड़ी से उनका पेट भर जाएगा भाई। ले तो लोगे भाई आप, मतलब जितने भी दहेज के है ना, ये दहेज थी हमें, आप गाड़ी ले तो लोगे पर गाड़ी के चलाने के लिए तेल तो आपका ही होगा ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, कोई बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो ये नहीं है कि भाई आप उनको परेशान करोगे, उससे पूछिए जिनके पास कुछ भी नहीं है और अपना जमीन वगैरह बेच के अपनी बेटी की शादी करता है, इसलिए नहीं करता कि भाई उनकी बेटी ऐसे गलियों में बैठेगी। प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, मत कीजिए। बहन एक बार ना बताइए आप क्या, मतलब कितने दिन से बैठे हो? 3 दिन हो गए। क्या बोल रहे हो आपके? बोल रहे गाड़ी लेके आई हो तब घर में घुसी हो, पहले मत घुसी हो, मैं कैसे जाऊँ अपने बाबा को कैसे बताऊँ? कितने दिन हुए? शादी को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो पहले भी ऐसे करते थे? नहीं, वो शुरू से कर रहा था लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये लोग ऐसे करेंगे, लेकिन जब भी मायके जाती थी कभी ये ले आई हो कभी ये ले आई हो, लेकिन अभी तो मत कीजिए भाई, मत कीजिए यार बच्ची, अरे कम से कम बच्ची पे तो रहम कर लो यार, कम से कम मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? लड़की है ना, लड़की तो रूप होती है भगवान लक्ष्मी का, क्यों ऐसा कर रहे हो? कोई नहीं, मेरे पास सुनिए, आप अपने मायके नहीं बता रहे हो? नहीं, क्यों नहीं बता रहे हो भाई? मेरी 3 बहनें और हैं, वो लोग दुखी हो जाएंगे और उनकी शादी ब्याह भी करनी, पापा रिक्शे चलाते हैं उन्होंने तो अच्छा ही घर देख के शादी की थी। प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, जितने सारे गहने मैंने सब छीन लिया हम लोगों ने। बच्चे यूं भी नहीं कि बच्चा खाना वाना कहाँ से कर रहे हो? मंदिर है पास में, वहाँ से। ये भी पीछे का गेट है, यही घर है भाई, देख लीजिए यही घर है, अब पीछे का गेट है, आगे जा रहे हैं तो बोल रहे हैं मार रहे हैं भाई, ऊपर से डंडा फेंक देते हैं, वाइपर फेंक देते हैं। पहले एक बार चलिए, समझिए नहीं मारेंगे। देखिए निशान में कैसे, ये निशान देखिए भाई, निशान डाल रखे है, रो रो के बेचारी। रिक्वेस्ट अभी मत कीजिए भाई ऐसा भाई, अगर आप लोगों की बेटी होगी, आप लोगों की बहन होगी ना, आप लोगों को जब महसूस होगा कि भाई हाँ गलत हो रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट, कोई नहीं एक बार आप चलिए, आइए चलिए चलिए चलिए। इनकी कहाँ से? इनका आगे से, यही घूम गाँव क्या? घूम के जाना पड़ेगा। चलिए मेरी बात सुनो, क्यों मारेंगे भाई? किसकी गलती है? उनकी गलती, दहेज वो मांग रहे हैं, आप नहीं, कौन नहीं मारेंगे? खुला आ जा, हाँ जी कौन है भाई तुम? और तू कैसे आ गई? तू बाहर निकल पहले, क्या बात बाहर निकल, क्या बात है बाहर निकल पहले। ओ हेलो, तू क्या बात है? कोई बात नहीं, पहले तुम मारो भाई, मारो तुम, ससुर है पहले बाहर निकल, पहले आपका बेटी है, मेरे को ये बता दे, शर्म है तुम, नहीं है बेटी नहीं है ना कुछ, पहले बाहर निकल जा, बेटी नहीं है ना, छुपाइए क्या बात, घर में आ कैसे गई तू? क्यों नहीं आएगी भाई? हाँ तुम कौन है? तुम कौन है? शादी की है, बाकी थोड़ी ना आई हो, शादी की है पहले बाहर, बताओ मेरी बात सुन, धक्के मत दे इसको, धक्के मत दे, बता रहा हूँ मैं, क्या है बेल्ट, बेल्ट क्यों निकाला है तू? आई कैसे? ये बता, निकाल पहले,
ओ भाई ओ ओ ओ ओ शर्मकर भाई तू है कौन बदमाश है तू इसको लेके आई है तू क्या भाई है ओए ये क्या है ये क्या रखा तुमने कपड़े निकाल क्या बोल रहा क्या कपड़े निकाल के बता रहा तेरा को चेहरा बिगाड़ दूंगा लाखों रुपया खर्चा किया है अपनी भाजी मुझे सरकारी नौकरी में मिल गया क्या सरकारी नौकरी में शादी से पहले कही थी गाड़ी चाहिए गाड़ी नहीं नहीं झूठ बोलती है ओ ओ किसने बोला था आपका वाले जानकार तू भाई सारे कह रहे हैं निकल कर तोड़ के फेंक दूंगा मनु चेहरा लेके आ गई यहाँ पे अभी नहीं थी मेरे लड़के के रिश्ते के लिए कभी नहीं थी आपकी बेटी है क्या सरकारी नौकरी है किचन की कभी नहीं है गाड़ी दूंगी क्या गाड़ी गाड़ी उन्होंने बोला कभी देंगे भाई सुनने में आया था इसका बाप बोला था क्या बोला गाड़ी दूंगा हर चीज दूंगा आज क्या है मेरे पास चुप मैं बोलूं जब बोलना आपको चुप रही एक बार लेके आई है पता नहीं किसको किसको मेरी बात सुनिए ये भी किसी की बेटी होगी भाई क्या कर रहे हैं आप लोग यार आपकी बेटी होगी ना आपको जब देखें कितनी गाड़ी दोगे शादी कर दी आपके घर में लक्ष्मी नहीं आपके घर में लक्ष्मी पैदा होगी वो थोड़ा है क्या भाई हमें पता है हम जेल रहे हैं ना हमें पता है मेरे को जेल रहा है पहले तू यहाँ से बाहर जा भाई भाई बाहर जाओ ये नौटंकी बंद कर सरकारी अफसर मेरा बेटा आराम से बात कर सरकारी अफसर भाई तू सरकारी अफसर गाड़ी ले लाई बाप बाप मेरा सरकारी ऐसे पीछे 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 बाप मेरा तो सरकारी अफसर ऐसे मारेगा तेरा भी धरूंगा मेरे बाप की उम्र का है लेके आई है साली काट के फेंक दूंगा तुझे उंगली तोड़ गाड़ी तो गाड़ी नहीं थी ऊपर से क्यों चाहिए था आप लोग क्यों चाहिए कभी रखी मैंने साली आप तो हजारों रिश्ते थे क्या बना के रखा था जी क्या बना के रखा है सारा पूरा पूरा खानदान आता है मुझे बर्बाद कर दिया क्या बात है भाई तुमको हक पहले कर देना काट के फेंकूंगा टंकी गाड़ी देगी मार रही है क्या बात है भाई क्यों मार रहे मार रहे क्या सुबह आ रही है ओ बात को छोड़ रात को छोड़ रात से लगी ना लगी ये भी किसी की बेटी है ना किसी की बेटी दूर से किसी की बेटी है छोड़ इसको पहले इसको हाथ छोड़ बात कर अच्छा है? तो तुम्हें शर्म है मेरी बात सुन ले
और पहले आराम से कंप्लेन कर दी इधर बहन इधर अगर इसमें कंप्लेन कर दी क्या होगा तुम्हारा बहुत बड़ी गलती क्या होगा सर तू जानती नहीं है बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मुझे हाथ लगा के अच्छा बड़ी बहुत गलती गाड़ी की है तूने गाड़ी का क्या करोगे आप लोग गाड़ी का क्या करेंगे क्या करोगे अगले ने अपनी बेटी दे दी थोड़ी है बेटी दे दी थोड़ी है क्या बेटी और हो गई तो लक्ष्मी पैदा हो बढ़िया है ना बढ़िया लक्ष्मी पैदा होगी अरे क्या सोच तुम्हारी सोच हमारी चल उठ के बैठ ये बाप है भाई ये देख लो ये बाप है और देखो कैसे गांव बना रखे हैं भाई मार ले जितना मारना है लालच इंसान है लालच इंसान है तू साले तुमने क्या सोचा कि मुझे निकाल के दूसरी शादी कर दोगे क्या लेगा पलंग छोड़ दे सर मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ ना सरकारी अफसर है तो सरकारी नौकरी भी चली जाएगी अगर इसने हल्की सी भी कंप्लेंट आ रही है वीडियो बन रही है भाई ये बहू सही करा रही है तू सही करा है लड़के फंसा लिया मेरा ये करे बोल फंसा दिया बिरादरी नहीं क्या चाहते आप लोग गाड़ी गाड़ी मिल गई फिर इसको परेशान नहीं करोगे तमाशा बना के रख दिया भाई बिरादरी ने सर मैं वही ऊपर बैठ देख ले भाई ऊपर बैठ ऊपर बैठ कैमरा बंद करा दो अगर आपकी लड़की होती तो उसको कोई मारता ऐसे बेल्टों से क्या होता आप ही बताइए शर्म है बिल्कुल इंसानियत घूम गई आप लोगों की है रे तेरे को जब सरकारी नौकरी मिली है तो क्यों दी है ताकि अपना घर बार चला ले गाड़ी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई अपनी कमा क्या हुए क्या बरादरी गाड़ियां मिली है जे ले आई जरा सा दिखाने को देख लो बिल्कुल भी मतलब शर्म नहीं लोगों को ये देखिए बंद कर लो नहीं क्यों बंद कर ले ये सरकारी अफसर बोल रहे हैं ये ताऊ है ये जो भी है और ये देखिए ये देखिए क्या जुल्म कर रखे है क्या है वे क्या यार मैं तो बात ही नहीं कर रहा से भाई सॉरी बोल रहा हूँ क्या सॉरी बोल रहे हो समझी था तुम लोगों में सॉरी हो है पहले ये वीडियो डिलीट कर ये वीडियो ना ऊपर तक जाएगी बताऊंगा तुम्हारा जो अफसर है ना तुम अफसर है तुम अफसर हो तुम लोग अफसर हो के उनसे पूछो तो गरीबी में जी रहे और अपनी बहू को अच्छे से रख रहे बेटी मान रहे वो लोग तो किसी चीज की कोई कमी ये घमंड है ना जो तुम्हारा घमंड गाड़ी का इतना अच्छा घर है ताऊ के बेटे लाए वीडियो कॉल करवा देगा खुद कमा रहा ना ये पकड़ी एक बार कमा रहा तो अपने लिए ये किसकी है ये इन्हीं की है ना अपनी है ना ये भी वाइफ क्या होता है एक दूसरे का साथ देना ना कि मारना बेटों से गलती होगी भाई अब नहीं होगी गलती होगी तुमसे आगे से नहीं होगा भाई अब नहीं होगा मार बेटों से तुम्हें भाई अब नहीं होगा मार बेटों से आगे से दिखाऊं कैसे नील पड़ते हैं कैसे देखिए गाइस मतलब हाथों की ये देखो क्या ये देखिए गाइस कैसे मार रखे है पीछे करिए ये देखो ये सारी आके सुझा रखी इसकी और कि ना बोल रहा तो है भाई नहीं होगा गलती होगी अब नहीं होगा भाई नहीं होगा बच्चा भी ना करने लायक है तुम्हें तुम्हारी बच्ची है लड़की है वीडियो बंद करा के बोल दे उनको वीडियो मेरी बात सुन ले इनके जाने के बाद मेरी बात सुन ले ओए ताऊ बोलिए मत दिक्कत तुम्हारी औकात कितने बड़े अफसर हो तुम भाई चुप रहे सोशल मीडिया पे जाओगे वीडियो ये नौकरी मिल रही है अफसर की ये भी निकलेगी आप तक जाओगे ना जेल में बैठे दो बात की रोटी भी नहीं मिलेगी नसीब में फिर भाई ऐसा मत करना चुप ये वीडियो न डालना चुपो ये बात नीचा वीडियो न डालना अफसर है ना तू
अब चल है ना, चल बहन भाई भाई गलती हो, भाई निकालूंगा, भाई गलती हो क्यों, प्लीज भाई गलती हो, गलती आगे से नहीं होगा, इससे बोल बेटी मानूंगा, बोल बोल बहुनी बेटी है तू, इधर 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 बैठ 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 बैठ, बोल बेटी बेटी है तू, बहुनी नहीं मारेगा, बेटी है तू मेरी, है क्या है बेटी है मेरी, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, इसको बंद कराओ, नहीं होगा बेटा, अरे हुआ तो नहीं होगा, हुआ तो फैलाओ ये, नहीं बेटी रीड कर दो, नहीं होगा बेटी, दोबारा शिकायत कर, घर रहना, घर की तरह रहो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपकी बेटी होती ना, जब पता लगता है ये देने के लिए भी ना बेचारे बोल रहे घर बेचा हम अपना, अरे क्या बोल रहे, ये लेके आ गई, ये छोटा सा पलंग, अरे ये तो दे दिया, तेरी बेटी होती ये देके दिखा देता तू, लालसी भाई मान लिया भी नहीं होगा, होगा। तेरा बाप गलत था, कम से कम अपना घर छोड़ गए ना, तेरे लिए छोड़ गए ना, अब नहीं होगा भाई, बोल दिया ना, पर ये वीडियो नहीं होगा भाई, गलती हो गई, ये करवा दो बेटा, भाई माफ कर दे, माफ कर दे बेटा, अच्छा वीडियो डिलीट करवा दे, बोल दे इनको, पकड़ इसको बेटा, नहीं होगा, पकड़ इसको बच्चे को, गले खोल दे बेटा, अब नहीं होगा, अच्छी है, शर्म नहीं है बिल्कुल भी, लड़की पैदा हुई है, नहीं होगा बेटा, अब छूते भी नहीं लड़की, नहीं बेटा, अब नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं कि लड़की पैदा हुई है, नहीं है, अब सीने से लगा के रखूंगा, अब नहीं होगा, बस हाथ रख सिर पे, अब नहीं होगा, अब नहीं, हाथ रख, अब नहीं होगा, अपनी बेटी की तरह ही मानूंगा, बहुनी तू मेरी इज्जत है, इज्जत है घर, पता नहीं कैसे कैसे भाई, वीडियो डिलीट करा दो प्लीज, आगे ना डालना, वीडियो वीडियो जब डिलीट होगी एक महीने बाद हर दिन चेक करने आऊंगा कि हाँ भाई सही है, ये नील है ना, ये नहीं, जब ये हट जाएंगे, अगर ये बेटा मैं तुझसे कह रहा हूँ सब डिलीट होगी, मैं तुझसे कह रहा हूँ, अब तुझे नहीं भाई आगे से नहीं होगा, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अभी वीडियो नहीं होगा, हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी भाई, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है बच्चा भी नहीं, अभी इज्जत लायक करना, तू मेरा नंबर ले, तू ठीक है नंबर ले, अगर ठीक हरकत है खुद बता दियो, ठीक है ना, टेंशन ना ले, हां चुप हो, नहीं हो जाएंगे, ठीक है नहीं होगा आगे से, वैसे ही अफसर बन, तू अफसर, बिल्कुल नहीं होगा, ये अफसर गिरी।